चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन सर्टेन रीजन देखना सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है चलो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लगने लगे यार ठीक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन अब एक इलेक्ट्रॉन लेके आए उस रीजन में और प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ़ फील्ड्स चलो एक इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं मैं और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मैं वी वेलोसिटी से रिलीज कर देता हूँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ मतलब रिलीज नहीं रिलीज मतलब होता है तो हमने प्रोजेक्ट कर दिए तो जब हमने वी वेलासिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो हमें इसके बारे में प्रिडिक्ट करना है कि पहला ऑप्शन चेक करो कि इट विल टर्न टू आर द राइट ऑफ द फील्ड हमेशा याद रखो कि जब कभी भी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है क्यू बी साइन थीटा थीटा क्या है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा कितना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साइन जीरो ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है मैग्नेटिक फ़ोर्स तो ज़ीरो होगा मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ जो है तो मैग्नेटिक फोर्स कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं यार तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट थोड़ी है मेरे भाई तो बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो होता है क्यू पॉजिटिव ही चार्ज पार्टिकल पे तो मैं इले, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक पॉजिटिव इसके अपोजिट फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट तो जब वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगेगा तो वो जो फोर्स है इस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा रिटार्ड करेगा रिटार्ड करेगा फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके कहीं स्टॉप हो जाएगा यार उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ठीक है क्योंकि ये उसके अपोजिट लग रहा है एक कॉन्स्टेंट फोर्स उसको रोक देगा यार तो फाइनली जाके स्टॉप हो जाएगा तो हमें करना क्या है कि इसके जैसे ही हम इस फील्ड में पोड़ेंगे तो ये तो कना बिल्कुल गलत है कि उसकी वो डिफ़्लेक्ट हो जाएगा टर्न टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ये ऑप्शन गलत है स्पीड विल डिक्रीज ये ऑप्शन सही है स्पीड डिक्रीज़ होगा स्पीड विल इंक्रीज बिल्कुल नहीं अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो स्पीड इंक्रीज होता एंड टर्न टू द लेफ्ट डायरेक्शन जब फोर्स हॉर्जेंटल लग रहा तो टर्निंग पॉसिबल ही नहीं है